यूपी के पूर्व डीजीपी पुरातत्वविद विजय कुमार ने आदिशिव की मुखाकृति की खोज कर सभी को चौंका दिया है। प्राप्त समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने आज महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन कर आदिशिव की मुखाकृति की खोज के बारे में पत्रकारों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए चौंका दिया, क्योंकि इस प्रकार की खोज पहली बार विस्तृत रूप से भारतवर्ष में की गई है। यह खोज पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुरातत्वविद विजय कुमार द्वारा की गई। मिली जानकारी के मुताबिक भारत में पहली बार 4500 वर्ष पुराने 2500 वर्ष ईसा पूर्व तांबे के हारपून भाले पर आदिशिव की मुखाकृति की खोज के बारे में पुरातत्ववेत्ता श्री विजय कुमार ने बताया कि आदिशिव की मुखाकृति वाले 4500 वर्ष पुराने हारपून भाले ओसीपी संस्कृति के हैं। यह संस्कृति गंगा घाटी की संस्कृति है। यह पूर्व से पश्चिम जालंधर से अयोध्या तक फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण हिमालय और विंध्य पर्वत श्रेणियों अरावली पर्वत के मध्य है। ओसीपी संस्कृति का कालखंड 5000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। इसके विपरीत मैच्योर हड़प्पा संस्कृति का कालखंड 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक ही है। इस संस्कृति के लोग विभिन्न प्रकार के हथियार उपकरण जैसे भाले, तलवारें, छोटी तलवारें, हारपून, कुल्हाड़ियाँ, चिजेल, आरी, गड़ासा, चाकू, कड़े, रापी का प्रयोग करते थे। हथियारों का जखीरा गांव के बीच एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता था। ओसीपी संस्कृति के गाँव 1-2 वर्ग किलोमीटर में फैले होते थे। इनके खेत भी इसी क्षेत्रफल में फैले होते थे। हर परिवार अपने खेत के बीच में झोपड़ी बनाकर रहता था। झोपड़ी सामान्य रूप से गोलाकार होती थी। पूरा कबीला शस्त्र धारण करता था, क्योंकि जहां भी ये हथियार पाए गए हैं वह सब गांव के बीच में किसी सुरक्षित स्थान पर पाए जाते हैं। और कैसे निरंतरता है भारतीय संस्कृति में, कैसे जो है उस समय कबीलाई संस्कृति थी जब सारा कबीला एक होता था, पूरा सशस्त्र होता था और संस्थान के हैं और वहीं पे इसको डिस्प्ले किया जाएगा म्यूजियम के रूप में। इसका जो अभी जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको दिखाने का ये उद्देश्य था कि ये इसका हथियार किस लिए प्रयोग किए जाते थे, उनके क्या देवी देवताओं थे और उन देवी देवताओं के आज के धार्मिक जो परिवेश है उससे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका प्रमाण है कि हम लोग जो प्राचीन धर्म था वो आज के धर्म से मिलता जुलता था, उसी का विकसित रूप अब जो है आजकल हम देख रहे हैं। उसकी सभी कबीले के सारे लोग शस्त्र धारण करते रहे, क्योंकि तो जहां जहां इस तरह के हथियार मिले हैं वो करीब 250 किलो, 150 किलो, 200 किलो मिलते हैं। ऐसा लगता था कि तीर धनुष तो सभी लोग रखते रहे होंगे, लेकिन जो विशिष्ट हथियार हैं ये उस समय का AK-47 है, जो जिसके पास भी ये होता होगा उससे कोई लड़ने नहीं आता होगा, क्योंकि अगर ये किसी को धोखे से अगर छू भी जाए ये तो उसका जो है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है।